बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर 3 महीने पहले युवा कांग्रेस में मुख्य पद पर आसीन महिला ने दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करवाई थी। 3 महीने का लंबा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और आरोपी का भाई लगातार धमकी दे रहा है, जिससे तंग आकर पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर युवा कांग्रेस के मुख्य पद पर जुड़ी महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की शिकायत की थी। ये मामला 3 महीने पुराना है। एफआईआर दर्ज होने के 3 महीने बाद भी आज तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिससे तंग आकर पीड़िता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या कानून व्यवस्था विधायक पुत्र के लिए अलग से बनाई गई है? इसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि करण मोरवाल का भाई फोन पर धमकी देता है, बोलता है कि वो 5वीं लड़की है, जो हुआ वो भूल जाए। पीड़िता ने यह भी बताया कि करण के खिलाफ और भी लड़कियों ने शिकायत की है, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग उनके पास है। पीड़िता ने विधायक और उनके बेटे पर अवैध जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया है। इससे पहले करण मोरवाल का एक पटवारी को भी धमकाने का वीडियो सामने आ चुका है। पीड़िता ने यह भी बताया है कि विधायक मुरली मोरवाल के ऊपर भी कई अपराध दर्ज हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने ना तो विधायक और ना ही विधायक के बेटे पर कोई कार्रवाई की है। देखिए, विधायक पुत्र करण मोरवाल मुरली मोरवाल के वो सुपुत्र हैं और यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष थे और अभी भी कुछ वो राष्ट्र की बॉडी में जाने वाले थे। उन्होंने क्या, काफ़ी समय से मेरे पीछे पड़े हुए थे शादी के लिए। उन्होंने जिस तरीके से मुझे झांसा दिया, मंदिरों में ले जाना, पूजा करना, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सारी रीति रिवाज करना, इस तरीके से उन्होंने मेरा दिल जीता। और दिल जीतने के बाद में उन्होंने मेरे साथ प्राइड होटल में मुझे उस दिन 14 तारीख को लेके गए थे। और उन्होंने जो उनको दुष्कर्म मेरे साथ करना था वो कर चुके हैं। सविस्तर मैंने FIR में नोटिस किया, मैं इतना बोल नहीं सकती। और 1 अप्रैल को मैंने DIG साहब को आवेदन दिया था। इसके अलावा 2 अप्रैल को मेरी FIR हुई है, क्योंकि 1 अप्रैल को जब मैं DIG साहब से आवेदन देने के बाद 5 बजे उस ऑफिस से निकली, 5-6 बजे, तो उस टाइम पे मुझे इन सब ने घेर लिया था, विधायक जी के सुपुत्र और कुछ लोगों ने, कि FIR मत करो। उस दिन भी धमकियां बहुत सारी दी जा रही थी मुझे, कुछ और भी ऑफर्स दिए जा रहे थे जो मैं मना कर चुकी थी। आज मुझे मेरी इज्जत के लिए खड़ा होना पड़ रहा है फाइनली, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 3 महीने हो गए और वो खुद के गार्डन पे बड़नगर में आराम से रह रहा है। आज तक एक बार भी उसके घर तक पुलिस नहीं गई है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पुलिस को कि ये नंबर है, आप ट्रेस करवाइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं झेल रही हूँ। क्या कानून व्यवस्था विधायक पुत्र के लिए अलग बनी है या आम जनता के लिए अलग है, ये मैं न्याय पूछना चाहूँगी शिवराज सिंह चौहान जी से, जो इस प्रदेश की हर बेटी को बोलते हैं कि वो भांजी है। तो आज मैं शिवराज सिंह चौहान जी से, CM साहब से न्याय मांगने के लिए ये IG ऑफिस आई हूँ, मुझे आवेदन देना है। वहीं इस मामले को लेकर जांच अधिकारी ने बताया है कि अभी तक इसकी जांच चल रही थी। मामले में पूरी विवेचना की जा चुकी है, आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में पीड़िता ने एक आवेदन दिया है और इसमें इसने आरोपी के वर्तमान अपराध के साथ साथ उसके पुराने जो अतीत में कुछ जो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसकी भी जानकारी संलग्न की है और कुछ और भी आपराधिक जानकारियां इसमें संलग्न की हैं। इसमें 376 IPC के अंतर्गत प्रकरण पहले से पंजीबद्ध है। इसमें टीम जांच कर रही है, निश्चित तौर पे उसमें कुछ समय हो गया, उसमें तत्कालिक रूप से गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक विवेचना पूरी हो चुकी है। इसमें संबंधित विवेचक और अधिकारियों से मैं तत्काल बात करूँगा और शीघ्र कार्रवाई और गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। अगर इसमें किसी अधिकारी की कार्रवाई में शिथिलता पाई जाएगी या इसमें शिथिलता अगर रही होगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।